जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ मी अमोल भाई, फायर इंजीनियर। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर में तो अभी ये लगाया हुआ है, ये देख लो, जूम नहीं हो रहा लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं इसको। आपको शायद पता होगा ये क्या चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, उनको बताने के लिए मैं देख रहा हूँ। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये है मॉड्यूलर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो ऑटो ऑपरेट है, मतलब ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट होता है। आप देखेंगे इसको, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड कलर का आपको बल्ब दिख रहा है, बराबर है, ये बल्ब है। इधर साइड में देखेंगे तो ये प्रेशर गेज दिखा रहा है आपको, उसमें प्रेशर दिखाता है कितना है क्या है। और ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसका काम क्या है, ये कैसे ऑपरेट होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये इसका लोकेशन जो है, ये यूपीएस रूम के ऊपर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सब इक्विपमेंट्स लगे हैं, उसके ऊपर लगा हुआ है। ये क्या होता है, इसके अंदर होता है पाउडर, मोनोअमोनियम फॉस्फेट होता है, मैप 50-30 या ऐसे अलग अलग इसमें आता है। आप देखेंगे तो इसमें जो बल्ब लगा है, ये ऑपरेट ऐसे होता है कि इसमें जो बल्ब लगा है उसका टेम्परेचर है 68 डिग्री टेम्परेचर। मानो यहाँ पे अगर कुछ फायर हो जाती है नीचे में, शॉर्ट सर्किट की वजह से, ओवर हीटिंग के वजह से, या कुछ भी मिसलिनियस के वजह से अगर फायर होती है, तो उसको बल्ब को उतना टेम्परेचर मिलने के बाद वो क्या होता है, फूट जाता है, और वहाँ से पाउडर ऑपरेट होता है, नीचे ऑपरेट होगा और इसको बुझा देगा। तो ये इसे वर्क करता है, ऐटो ऑपरेटेड है, और मॉड्यूलर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको, जो उल्टा लगाया है। ये 5 kg कैपेसिटी का है, ठीक है, स्टोर प्रेशर रहता है। अगर कुछ क्वेरी है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, सेफ रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए, फायर ना लगे, और लगे तो उसको एक्सटिंग्विश करें। थैंक यू।